गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम वो बना रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार था, अखनी पुलाव जा रहे हैं हम बनाने। तो चलिए हम अखनी पुलाव बनाने चलते हैं। तो अम्मी, ये रही हमारी अम्मी। अम्मी हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारी अम्मी अखनी पुलाव सिखा रही है बनाना। आज हम आपको अखनी पुलाव बनाना सिखा रहे हैं। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि हमें अखनी पुलाव बनाना सिखाओ, तो हम अपने तरीके का आगरा का अखनी पुलाव बना के दिखाएंगे आपको। अगर आपको पसंद हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, पहले जाके सब्सक्राइब करें। जी जी। तो चलिए हम अखनी का सामान देख लेते हैं, पहले अखनी में क्या डालें। मेरा छोटा सा अखनी पुलाव है, तो हम पहले अखनी बनाना सीखेंगे। अखनी के लिए क्या क्या डालता है सामान वो बता देती हूँ मैं आपको। पहले अखनी पुलाव के लिए हमें आधा किलो, पहले हमें अखनी बनाना है। हाँ, पहले हम अखनी बनाएंगे पुलाव के लिए। तो हम आधा किलो बकरे का मटन लिया है जिसे हमने धो के साफ करके रखा है, और 3 चम्मच हमने साबुत धनिया लिए हैं, 2 चम्मच हमने सौंफ ली है, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच हमने नमक लिया है, और 1 कॉटन का कपड़ा लिया है जिसमें हम ये सब चीज़ें बांधेंगे, और 2 हमने बड़ी प्याज ली है जिसको हमने काट के चॉप करके रखा है, और ये हम 7-8 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 4-5 हमने हरी मिर्च लिए हैं, 1 हमने लहसुन की गांठ ली है, और 1 लीटर हमने पानी लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने गैस जलाई। तो गाइस, हमने गैस ऑन कर लिया। ऑन कर लिए हाई फ्लेम पे। 1 लीटर पानी डालेंगे। हाँ, बिस्मिल्लाह। पानी डाल दिया 1 लीटर। उसके अंदर मटन डालेंगे। मटन डाल दिया है हमने इसके अंदर, जिसमें मेरी नली भी थी। और क्या डालना है? फिर इसके बाद हम ये प्याज डालेंगे। कांदा डालना है। ये हम अखनी बना रहे हैं। ये लहसुन भी डाल देंगे इसमें। ऐसी साबुत? हाँ, ये साबुत। सारी चीजें डाल सारी देना। चीजें हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ये नमक भी डालेंगे। नमक भी डाल देना है। और हम इसके अंदर ये सब चीज़ें बांधेंगे। ये कॉटन का हमने एक कपड़ा लिया है जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें, धनिया सौंफ और ये ज़ीरा, ये तीनों चीज़ों को हम ऐसे बांध के डालेंगे। बांध के क्यों? बांध के इसका जो रस होता है ना, वो पानी के इसके अंदर निकल आता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव के अंदर। ये तो मैंने पहली बार कुछ नया है देखा है। ये अंदर डूबी तो नहीं? डूबेगी, अभी पानी हुआ है ना, तो चम्मच लेना। ये डूबेगी कैसे? अभी हम इसको ऐसे डुबा देंगे। हाँ, चीजों को और क्या करना है? चलाना नहीं है? नहीं चलाना, बस ऐसे ही हो गया ना ये सब। हाँ, अब हम इसमें सीटी लगाएंगे। कितनी? इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी हाई फ्लेम पे रखे ना? ठीक है, तो हम देखते हैं 2 सीटी आने वाली है। में 1 सीटी आ गई है और ये दूसरी सीटी भी आने वाली है गाइस। 1 2 3 आजा। ये दूसरी सीटी आ गई। अब गैस हम लोग को स्लो कर देनी है। 2 मिनट के लिए गैस स्लो कर देना है और इसे प्रेशर में पकने देना है। और ये 2 मिनट हो गए, अभी इसे हम खोल रहे हैं कुकर को। ये पक गई है और ये तैयार है। ये देखिए मम्मी, ये थोड़ी खाएंगे हम। नहीं नहीं, ये थोड़ी खिलाएंगे हम तुम्हें। ये हम इसको पोटली जो हमने डाली थी ना, सौंफ धनिया और जीरा, हाँ, उसको बांध के जो हमने डाली थी, अब हम इसको निकाल के इसको ठंडा करके और छानेंगे। और ये लहसुन जो है साबुत, मतलब कैसे बता रही हूँ मैं, बता रही हूँ, इधर दिखाते जाओ ना। हाँ, ये निकाल लिए। तो गाइस, अब हम इसको अलग अलग करेंगे। ये हम बोटियां अलग निकालेंगे इसकी। ये देखो मेरी नली। तो इसको ऐसे निकाल लेना है अलग। गाइस, हमने ये वाले पानी में से इसको मटन को पूरा निकाल दिया है, और ये पानी को फेंकना नहीं है, इसको रखना है अभी। ये हमने पोटली निकाल दी है। ये जो पोटली हमने डाली थी, इसको हम पानी के अंदर निचोड़ लेंगे, इसको फेंक देना है। हमारी अखनी तैयार हो चुकी है, अब हम पुलाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
हमने आधा किलो चावल, आधा किलो गोश्त के अंदर आधा किलो चावल हमने भिगो के पहले से आधा घंटे के लिए रखा था चावल को, और हमने इसको धो के साफ करके रखा है। दो हमने मीडियम प्याज लिए और एक चम्मच हमने आटा लिया है। प्याज को हमने ऐसे चॉप करके रख दिया, प्याज को हमने, और हमने 7-8 लाल मिर्ची ली है, और ये हमने 8-10 हरी मिर्ची ली है। 2 चम्मच हमने नमक लिया है, 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच अदरक का पेस्ट, और ये हमने 200 ग्राम दही लिया है, और हमने गरम मसालों में 2 चम्मच जीरा लिया है, 4-5 लौंग लिए, थोड़ी सी जावित्री ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, और 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, और 8-10 हमने काली मिर्ची ली है। 8-10 नहीं है, ज़्यादा है भाई। चलो चलो सही। अब हम ये मिर्ची पीसने जा रहे हैं जो इसमें डालेंगे। ये सिर्फ रेड वाली पीसनी? हाँ, सिर्फ रेड वाली पीसनी है। ठीक है, और इसको हम काट के डालेंगे हरी मिर्ची को। ठीक है। घर ये हमारी लाल मिर्ची पीस चुकी है, इतनी पीसना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। चलो चलो हम गाइस गैस स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाने के लिए। ये कढ़ाई इस पे रखना है, बड़ी कढ़ाई इस पे रखेंगे, तेल डालेंगे, 2 चम्मच इसमें तेल डाल देना है गाइस। जो हमने 2 प्याज काट के रखी थी उसको हम ऐसे करके मसल के अलग अलग कर लेंगे। हाँ। फिर इसके अंदर हम ये आटा डालेंगे। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये क्रिस्पी हो जाती है प्याज, 2 दिन तक आप क्रिस्पी रख सकते हैं इसको। अच्छा, मतलब इसको तेल में फ्राई करना है? तेल में फ्राई करेंगे इसको। जो ऊपर से वो डालते हैं, क्या बोलते हैं उसे? वो बोलते हैं, भूल गई मैं। हाँ, बरिस्ता बोलते हैं इसे। हमारा तेल गरम हो चुका है। हाँ। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। हम इसको फ्राई करना है, इसको प्याज को गुलाबी करके निकालेंगे। खाली गुलाबी करके? हाँ, गुलाबी। वो तो ब्राउन होती है। हाँ, थोड़ी सी हल्की डार्क होगी। हाँ, ब्राउन करके निकाल। प्याज भुन चुकी है, अब हम इसको निकालेंगे। इसको निकाल लेना, इतना डार्क ब्राउन करना है थोड़ा। ये क्रिस्पी कैसे होगी? क्रिस्पी हो जाएगी, ठंडी होकर क्रिस्पी हो जाएगी। अच्छा, तो ये हमारी बरिस्ता रेडी है, इसको फैन में रख देना है। क्या करना है? अभी हमने प्याज निकाल लिए भून के। हाँ। अब हम इसमें ये गरम मसाले डाल, गरम मसाला डाल दो, डाल दो जो हमने दिखाया। तो इसमें गरम मसाला सब डाल देना है, और उसके बाद हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, इसे चलाना है। उसके बाद क्या डालना है? जब तक ये भून रहा है तब तक हम ये जो लाल मिर्ची हमने पीसी थी उसके अंदर हम ये पानी डाल मिलाएंगे, और इस मिर्ची को भी इसके अंदर डालेंगे। मिर्ची डाली, मिर्ची मिर्ची मिर्ची। और अभी क्या डालना है? लहसुन अदरक का पेस्ट पहले भुनेगा, मिर्ची लहसुन अदरक को गरम मसाला जो डाला था वो डाल के हम भुनेंगे। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे, 200 ग्राम जो दही हमने रखा था। हाँ। वो डालेंगे, दही को डाल के इसको मिक्स करके भूनेंगे इसको भी। कितनी देर तक? 10 मिनट। ठीक, इसमें नन्ना सा पानी डाल के भून लेना है। पुलाव ऐसे बनता है? अपनी पुलाव ऐसे ही बनता है। मुझे भी आ गया बनाना। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच नमक लिया था हमने, वो हम इसमें डाल के भूनेंगे। आपको जितना ऑयल खाना है, स्पाइस जितनी रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 मिनट तक ऐसे भूनना है, और तो उसके बाद तब मैं हरी मिर्ची काट ले रही हूँ। ये साइज की काटना है? हाँ, 2-2 टुकड़े कर ले। अरे, अब हमारा मसाला भुन गया है 10 मिनट तक। इसके बाद इसमें ये गोश्त डालेंगे, मटन डालना है। ये हम मटन डालेंगे जो हमने उसमें से निकाल के रखा था फिर में से। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए चला के छोड़ देंगे, गोश्त डाल के भी भून लिया है। अब इसमें इसमें हम ये हरी मिर्ची डालेंगे। हाँ, हरी मिर्ची डालना है। हरी मिर्च डाल चुके हैं।
अभी हमने चावल ले लिए, अभी हम चावल डाले, वनस्पति चावल है ये, बड़े वाले, बड़े वाले, इसमें चावल डालेंगे, चावल डालेंगे इसके अंदर। और अब ये जो अखनी का जो पानी था, पानी रखा था, जो पानी रखा था ना गोश्त में से जो बचा था पानी, वो पानी अब चावल डालने के बाद डालेंगे। अब हम चावल डाल के, पानी डाल के अब हम इसको मिक्स करेंगे। बनने वाला है ना? हाँ, बस थोड़ी देर में 15 मिनट लगेंगे कम से कम। ठीक, अब इसको चला के, इसे चला दिए, अब हम इसको तेज गैस पे खोल आने देंगे, बॉईल होगा ये, इसको ढक देंगे। ढक दिया इसको थोड़ी देर हमने, 10 मिनट के लिए इसको तेज गैस पे बनाना है। हाँ। फिर उसके बाद हम गैस स्लो कर देंगे। ठीक है, तो अब इसे खोल के देखो पानी सूख रहा है। अब क्या करना है, इसको गैस को कम करेंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे। हाँ, इसको 10 मिनट के लिए और बनाएंगे, 10 मिनट और, 10 मिनट बाद ये बन के तैयार हो जाए, बन जाएगा। बस ये चावल गलने की देर है बस। यखनी पुलाव बोलते, यखनी। हम इसको दम पे लगाएंगे, मतलब एक पेपर को, हम इसके ऊपर ढकेंगे, फिर और इसको भी हम इस पे ढकेंगे, और फिर इसके ऊपर भारी चकला रखेंगे। इसके ऊपर कोई भी भारी चीज रख देंगे तो ये दम में पक सके। बस इसके ऊपर वजन रख देंगे, कोई भी चीज का वजन, ये पकते रहेगा 10 मिनट तक, से इसको कवर कर देंगे 10 मिनट तक, इसे बनते रहने देना। तो हो गए हमारे 15 मिनट, इसे 10-15 मिनट ही रखने का। अब इसे हम खोल के देखेंगे ये कैसा लग रहा है। पेपर तो भीग गया, भीगता है। आहा, क्या खुशबू है, भूख लग गई मुझे तो। ये हमारा पुलाव बन के तैयार है, अखनी पुलाव गल गए चावल, अखनी पुलाव तैयार है। अभी हम इसमें प्याज भी डालेंगे, हमने पैन में रखी थी, ये क्रिस्पी हो गई है, अब हम इसको इसमें डालेंगे। तो ये हो गया हमारा पुलाव तैयार, आ जाओ खाने आप लोग भी। तो गाइस, आज आप सबकी फरमाइश पर हमने अखनी पुलाव बनाया है, आप बनाइएगा और देखिएगा कैसा बना, और हमारे कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब के भी कीजिएगा, वो मुझे कहना नहीं आता है। हाँ, सीख जाओगी, सब्सक्राइब। अच्छा, चलिए गाइस, बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।